भाई फराटा चलने लग रहा है और थोड़ी एडजस्ट कर लियो यार, क्योंकि भाई फराटा बंद कर दियो तो गर्मी मर जाऊंगा मैं तो यार। नेड़े मकान में सुते पड़ा हूँ। मिस्टर सोमबरी यादव क्या बोलते हैं कि भाई शख्स का भत्ता 1500 आता है, लेकिन अब की बार 900 आया शिवाड़ों के, ऐसा कैसे हो गया ये भाई? बाई फॉल्ट बाई मिस्टेक, ये टेक्निकल इशू की वजह से हो जाता है। बाकी आप लोगों के जो 1500 आते हैं, 1500 आते हैं और 1500 खर्च भी कर देते हो आप लोग, ओ भाई साहब तकड़ा है गांव में भाई साहब। 900 आए भी थे और खर्च भी कर दिए, ओ भाई साहब। भाई अगर हरियाणा सरकार बात सुन रही है तो जल्दी जल्दी पैसे डालो अकाउंट में भाई, क्योंकि हमारे पास पैसे ही बहुत ज़्यादा कमी है भाई। क्योंकि हमारे पास जितने पैसे आते हैं हम उतने खर्च कर देते हैं। तो आपसे निवेदन है कि हमारे खातों में जल्द से जल्द पैसे सेंड किए जाएं, वो भी हमारे पूरे पूरे। आपको दोस्त एक बार एम्प्लॉयमेंट ऑफिस विजिट करना चाहिए, विजिट करोगे ना तभी आपका समाधान होगा। अदरवाइज ये 900 900 रह जाएंगे, जो 600 है ना आपकी एक दिन के पैसे वो कट जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट मेल है शिवकांत यादव। हेलो सुमित भाई, मैं महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ भाई। HREX पे भाई रिन्यूअल करने के बाद एक्सचेंज में क्या डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं? अरे भाई कई कई डिस्ट्रिक्ट हैं यार, सारी सेम नहीं होती, हर लड़का सेम नहीं होता, हर लड़की सेम नहीं होती। वही वाली चीज़ है कि हर डिस्ट्रिक्ट का अपना रूल अलग अलग है। कुछ डिस्ट्रिक्ट तो बोलते हैं कि आप ऑनलाइन रिन्यू कर दो और हमारे पास डॉक्यूमेंट पहुंच जाते हैं। डॉक्यूमेंट तो आप लोगों ने पहले जमा कमाए कराए होते हैं, लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट जो बोलती हैं कि आप हमें डॉक्यूमेंट दें जो आपने रिन्यू किया है, जो नेक्स्ट डेट निकल के आती है वो वाला पेज आप एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जमा करवाएं। तो दोस्त आप करवा ही दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट मेल है पंकज जी की, नेम पंकज, ओके। रजिस्ट्रेशन नंबर फलाना फलाना, डिस्ट्रिक्ट सिरसा और नवंबर मंथ से भत्ता बंद है जी। बोल रहे हैं मेंबर आईडी सही नहीं है, कोई सॉल्यूशन बताओ भाई, जबकि मेरी वाइफ का भी भत्ता बंद है, उसकी मेंबर आईडी सही है। दोस्त आप ऐसे तो आपने तो सिर्फ लिख के पूछा है, आप मेरे को अपनी आईडी की डिटेल सेंड कीजिए, जहाँ पे आपको डाउट लग रहा है, मिस्टेक लग रही है, उस चीज़ का स्क्रीनशॉट सेंड कीजिए हमें, फिर मैं आप लोगों को बता दूँगा कि आपकी आईडी सही है या गलत है। ठीक है, चाहे आपकी वाइफ की हो चाहे आपकी आईडी हो, आप जहाँ पे भी आपको मिस्टेक लग रही है कि यहाँ पे ये मेरा सिस्टम समझ में नहीं आया, यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है, वो वाली चीज़ मेरे को आप सेंड कर देना, मैं आप लोगों को बता दूँगा। ठीक है, नेक्स्ट मेल है जतिन गोयत, करनाल डिस्ट्रिक्ट प्लस टू अलाउंस पेंडिंग फॉर सितंबर से। ओके भाई सुमित, करनाल डिस्ट्रिक्ट का प्लस टू अलाउंस सितंबर से अपलोड नहीं हुआ है। करनाल डिस्ट्रिक्ट का प्लस टू वालों को तो चक्कर बहुत भयंकर चल रहा भाई, मैं क्या बताऊँगा यार। एक बार आपको इलेक्शन हो जाने दो, फिर मैं आप लोगों को गहराई से बता दूँगा, लंबी वीडियो बनेगी थोड़ी सी, लेकिन अभी बीच में बताने लग जाऊँगा तो फिर ये बाकी जो मेल हैं वो रह जाएंगी। तो नेक्स्ट मेल पर चलते हैं, मानसी, ये लड़की काफ़ी दिन से परेशान लग रही है। ये देखो भैया, जून 2023 से अब तक अपलोड नहीं हुआ है अलाउंस जींद डिस्ट्रिक्ट प्लस टू क्लास, वो प्लस टू क्लास ही तो है सारा दिक्कत, सारा रोड़ा यही तो है। प्लस टू क्लास, प्लस टू वालों के ऊपर स्पेशल ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि इनका कहना है कि आज के दिन पे कोई भी लड़का लड़की प्लस टू के बाद पढ़ाई नहीं छोड़ता है, इसलिए प्लस टू का वेरिफिकेशन तक करने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। और अभी ये इलेक्शनों में इनकी ड्यूटी लगी हुई है, तो आप लोगों का थोड़ा टाइम और लगेगा। ओके जी, नेक्स्ट मेल पे चलते हैं, संदीप भाई, मेरी आईडी न्यू है, मेरा भत्ता कब से आना शुरू होगा बताइए, जिन डिस्ट्रिक्ट से हूँ भाई, कृपया करिए मैं। अरे जीएन डिस्ट्रिक्ट वाला पहले से ही नहीं आ रहा भाई, अरे यार आप लोगों ने एक बार भी अपलोड नहीं हुआ है जनवरी 2024 से 25, जैसे ही अगर जीएन डिस्ट्रिक्ट का जिस दिन अलाउंस अपलोड हो जाएगा ना, मैं वीडियो बना के बताऊंगा, ठीक है, और उस दिन अपना आईडी चेक कर लेना कि उस दिन आपका साथ में अगर अपलोड तो हो गया तो ठीक है, आपका अपलोड होएगा ही होएगा, क्योंकि साथ में, क्योंकि आपकी आईडी तो बिल्कुल न्यू है,
स्टार्टिंग में होता है, जैसे जब मैं आपको वीडियो बनाऊँ जी एनजीएसटी की, तब अपने आईडी चेक लेना, आपका भत्ता अपलोड हुआ मिलेगा, ठीक है। ओके संदीप जी क्या बोलते हैं, जींद डिस्ट्रिक्ट का प्लस टू का अलाउंस अपलोड, अरे नहीं होता भाई, नहीं हो रहा भाई। सुमित जींद एक्सचेंज की शिकायत कहाँ कर सकते हैं, ये भत्ता अपलोड नहीं कर रहे हैं किसी का भाई। प्लस टू वालों की सारी जगह टोटली हरियाणा में जितने डिस्ट्रिक्ट हैं सभी में प्रॉब्लम आई हुई है, टोटली हरियाणा बोल देता हूँ मैं, सभी में प्लस टू वालों पर स्पेशल फोकस है भाई। ग्रेजुएशन का हो जाएगा, खाते में भी आ जाएगा, और ये क्या बोलते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन का तो बहुत ही दिया जाता है, लेकिन बात सारी अटकती है तो प्लस टू वालों के ऊपर। अच्छा शिवकांत यादव, हेलो सुमित भाई, मैं मेंदेगा डिस्ट्रिक्ट से हूँ भाई, HREX पर भाई रिन्यू करने के बाद एक्सचेंज में क्या डॉक्यूमेंट। अरे भाई, अरे सर आप एक मेल को दो बार सेंड करोगे क्या, बता दो जी अभी थोड़ी देर पहले। देख लो दोस्तों सारी मेल उठा ली हैं और ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं बनाएंगे, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर करना, सुमित छोरण SHO के नाम से आपको मिल जाएगा, वो आप वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लेना। और अभी के लिए दोस्तों गुड नाइट, कल फिर मिलते हैं, बाय बाय।